आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये सिवान के पुलिस ग्राउंड की है। सीएम आ चुके हैं और इसी गाड़ी में सीएम है। ये तस्वीरें आप नवभारत टाइम्स पे देख रहे हैं। और यहाँ विजय चौधरी हैं, सीएम हैं और ये जदयू के नेता हैं, जो कुछ लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ अजय सिंह है, सांसद प्रतिनिधि। देश का नेता कैसा हो, नीतीश जी जैसा हो पीएम, के ये नारे लग रहे हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश जी पीएम उम्मीदवार होंगे? ऐसे ही नेता को देश का नेतृत्व करना चाहिए। और जनता तो किसी के बस में नहीं ना है, जनता जो चाहती है सो करती है। और जनता की आवाज़ है, जनता के दिल में जो बात है कि आज के ठंडी के समय में सभी नेता अपने घरों में दुबके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार के गांवों में जाकर के देख रहे हैं हमारा लोग कैसे रह रहा है, हमारा विकास कार्य कैसे चल रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो इस तरह के नेता को तो सभी लोग चाहेगा। सबके हृदय में बसने वाले नीतीश कुमार जी हैं, जो गरीबों के, अमीरों के, सभी लोगों के, दलितों के, पिछड़ों के, सभी लोगों के हृदय में बसते हैं। तो निश्चित रूप से जो सबके हृदय में बसता हो वही देश का नेतृत्व करे तो अच्छा होगा। हमारे साथ यहाँ मंसूर आलम जी हैं, ये जदयू के नेता हैं और चर्चित शख्सियत हैं। नीतीश जी पीएम बनेंगे, क्या लग रहा है आपको, पीएम बिहार भेज देगा? ऐसा है कि बिहार के लोगों का आवाज़ है कि नीतीश कुमार पीएम बने। अभी अजय सिंह वही बात बोले कि जो आवाज़ उठती है उसी आवाज़ को लेकर कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। देश का मांग है कि नीतीश कुमार जैसा सीएम जो है पीएम बनना चाहिए। आपको दिखाएंगे, देखिए ये तस्वीरें, ये लोग देख रहे हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर हैं। जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह और अपने मोबाइल में फोटो खींचते सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे। सिवान से एनबीटी के लिए 3 बंधु सिंह की रिपोर्ट।